गाइस फाइनली मेला में एंटर कर चुके हैं। ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है, छोटा मोटा ही है। तो आप लोग को पहले मेला का एक झलक दिखा देते हैं। हेलो यूट्यूब लवर्स, एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है यूट्यूबर लवर्स। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो आज हम लोग जाने वाले हैं श्रामपुर खेतेश्वर मेला, जो कि साल में एक बार लगता है। तो अभी स्टेशन आ चुके हैं हम लोग, रेडी है। वेट करने के बाद आखिर हम लोग का ट्रेन आ चुका है स्टेशन पे। सभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, श्रीरामपुर स्टेशन पहुंच रहे हैं। आनंद भाई जी है, सदा भाई भी है, इससे पहले भी देखे हैं भाई लोग को साथ में। रिछड़ा मेला जब गए थे तो मिलता है श्रीरामपुर स्टेशन। श्रीरामपुर स्टेशन अब चलते हैं हम लोग मेला। भाई सभी श्रीरामपुर बाजार पार कर रहे हैं हम लोग, भाई लोग साथ में हैं। क्या सदा भाई, और कितना दूर जाना पड़ेगा हम लोग को बताइए थोड़ा। 20 मिनट जाना है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी। तो ये मेला अच्छा हमको सिखा रहा है। मेला कभी कदार ही बैठता है ना, हमेशा तो नहीं जाता, साल में एक ही बार बैठता है। बहुत ही मतलब आगे मतलब बैठने लोग आते हैं। जैसे मेला बैठने का कोई रीजन है क्या, कुछ होगा जरूर? एक बहुत बड़ा मतलब राजा रानी वहाँ पे पहले रहते थे। अच्छा। तो गाइस अभी बाजार पार कर रहे हैं, बहुत देर से भीड़ था वहाँ पे आगे में तो नहीं जा पा रहे थे। तो अभी श्रीरामपुर मार्केट तो पता ही आपको, श्रीरामपुर मार्केट कितना भीड़ रहता है हमेशा। कभी कभी फाँका नहीं रहता है, इस कारण से थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन मेला दिखाएंगे आप लोग को, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन छोटा मोटा ही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस फाइनली मेला में एंटर कर चुके हैं, ज़्यादा बड़ा मेला नहीं है, छोटा मोटा ही है। तो आप लोग को पहले मेला का एक झलक दिखा देते हैं। आसपास क्राउड देख ही सकते हैं आप लोग, कितना क्राउड है। मेला छोटा है लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोग को जरूरत के हिसाब से मेला में कंपलसरी जो 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 स्टॉल बैठता है वही बैठा है। आप लोग अपना जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। क्या सदा भाई, सही है, अपना जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहिएगा? अच्छा वेदर है एकदम, पूरा पॉन्ड के बगल में देख सकते हैं आप। यहाँ पे तालाब है गाइस। अच्छा पॉन्ड। तो मेन जो यहाँ पे सामान मिल रहा है लेडीज आइटम, यही ना मेला में जो कंपलसरी रहता है लेडीज आइटम, बच्चों का कंपलसरी रहता है। मेरे फ्रेंड ने एक लिया भी है, देखिए अलामिन भाई क्या लिया। देखिए अलामिन भाई ने बंदूक लिया है, और यहाँ पे आप अपना हिसाब से जैसा जरूरत हो वैसा लीजिए। अगर आप लोग लोकल में रहते हैं श्रीरामपुर इलाका में तो आइए मेला घूमिए, जरूरत का सामान जैसा आपका रहेगा उस हिसाब से आप जरूरत का सामान ले सकते हैं। और अभी मोटा मोटी ठंडा है, कुछ दिन बाद अगर आइएगा तो थोड़ा गर्मी पड़ सकता है। तो अभी यहाँ से कुछ कुछ मेला से निकल चुके हैं, अभी घर जा रहे हैं।
तो वीडियो अगर ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।